दोस्तों, एक हाई स्पीड आरसी कार बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल्स की नीड होगी, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। सो गाइस, ये है मेन कंपोनेंट्स एक आरसी कार को बनाने के लिए। सो गाइस, फटाफट से देख लीजिए आपको क्या क्या मटेरियल्स की नीड होगी। दोस्तों, ये है 12 वोल्ट डीसी मोटर, आप 7.5 मोटर भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, इसमें एक पुली लगी, ये है दोस्तों 20 टीथ पुली और ये है 36 टीथ पुली। और दोस्तों, ये है लाइनर बेयरिंग, इसमें मैंने दोस्तों मैंने एक 8 mm की रॉड लगा दिए और इस रॉड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये है मेटल गियर सर्वो, ये है 20 TMPSC और ये है टाइमिंग बेल्ट। सो गाइस, इसकी लेंथ है 158 mm। और दोस्तों, हमारी कार को हम कंट्रोल करेंगे एक ट्रांसमीटर और रिसीवर से। सो गाइस, देख लीजिए कुछ ऐसा ट्रांसमीटर और रिसीवर आता है। दोस्तों, इन सभी पार्ट्स के बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इन सबको बाय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आरसी कार को बनाना। दोस्तों, आपको एक ऐसे पीवीसी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, इससे दोस्तों हम बनाएंगे हमारी आरसी कार की चैसी। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक चैसी पहले ही बना के तैयार रख ली है, आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी डायमेंशन यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों, ये है 18 mm प्लाई, इसे दोस्तों मैं बना रहा हूँ हमारी ट्रक के व्हील्स। दोस्तों, इसे आपको 8 पीसेस कट कर लेने हैं और आपको दो दो के सेट बना लेने हैं, तो दोस्तों आपके पास हो जाएंगे 4 व्हील्स। सो गाइस, मैंने इनको सैंड पेपर से घिस के स्मूथ कर लिया है। अब दोस्तों, इसके ऊपर लगाएंगे हम इस रबड़ को, जो दोस्तों मैंने पुरानी मोटरसाइकिल के ट्यूब में से निकाले हैं। इनको दोस्तों हम सुपर ग्लू की मदद से यहाँ पर स्टिक कर लेंगे। सो गाइस, इसी तरह से मैंने पीछे के व्हील्स भी बना ली हैं और ये हो गए हमारे फ्रंट व्हील्स। दोस्तों, मैंने मोटर पे एक माउंट प्लेट लगा दी, ये दोस्तों मैंने पीवीसी पाइप की काफ़ी सारी लेयर्स से बनाई है। ये दोस्तों हमारी मोटर को इस चैसी पे स्टिक करने में मदद करेगी। दोस्तों, हमारी मोटर कुछ इस तरह से लग जाएगी यहाँ पर और इसको हम सुपर ग्लू से स्टिक कर लेंगे। सो गाइस, मैंने व्हील के सेंटर में पेन के पीसीस लगा दी हैं, ये दोस्तों फ्रिक्शन को कम करेंगे। और दोस्तों, ये जो देख रहे हो आप, ये मैंने रेडियो का जो एंटीना आता है ये उसमें से निकाले हैं मैंने, और इनके एंड पे दोस्तों मैंने नट्स लगा दिए हैं, आप देख सकते हो। और गाइज, मैंने प्लाई की मदद से दोस्तों एक ऐसे टी शेप बना ली है और इसमें दोस्तों मैंने 4 होल्स कर दिए हैं। अब इन सबको दोस्तों हम कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे। सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस के लिए दोस्तों सॉरी। अब दोस्तों, इसे हम सुपर ग्लू से स्टिक कर लेंगे ताकि ये बाहर ना निकले। दोस्तों, मैंने पीवीसी से कुछ ऐसे पीसीज कट कर लिए हैं, एक लगा है नीचे की साइड और इसको हम ऊपर से लगा देंगे। बीच में दोस्तों हम एक प्लाई का पीस लगा देंगे। अब ऊपर की साइड इसको लगा देंगे। सो गाइस, इस पूरे को दोस्तों हमें सुपर ग्लू से कवर कर देना है, वो इसलिए दोस्तों सारा इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा और दोस्तों जो प्लाई की लेयर से वो बाद में निकल जाती है, तो इससे मजबूत हो जाएंगी। अब दोस्तों, इन व्हील्स को लगा देंगे नट्स की मदद से, सॉरी बोल्ट्स की मदद से। नट और बोल्ट्स में दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। दोस्तों, आपको ये नट्स ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं, आपको ये लूज़ रखने हैं ताकि ये आसानी से इधर उधर हो जाए। और दोस्तों, इस पर हम सुपर ग्लू लगा देंगे ताकि ये निकल कर गिरे नहीं कहीं पर। सो गाइस, आप देख सकते हो ये काफ़ी फ्रीली वर्क कर रहा है। दोस्तों, हमारी जो ट्रक की चेसी है ये बीच में से दोस्तों थोड़ी नाजुक पड़ रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं प्लाई का एक टुकड़ा लगा दूंगा।
इससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सो गाइस आप देख सकते हो हमारी जो चेसी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फ्रंट में एक बम्फर बना दिया प्लाई की मदद से। दोस्तों हमारी कार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस हमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर इंस्टॉल करने हैं। दोस्तों मैं आपको वायरिंग फटाफट से समझा देता हूँ इसकी वायरिंग कैसे होगी। दोस्तों ये जो वायर से ये मोटर में लग जाएंगे और जो ये दो वायर से ये हैं बैटरी के, तो उसमें से XT60 कनेक्टर लगा है ये उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ये है दोस्तों सिग्नल पिन, ये हमारे रिसीवर की चैनल नंबर 2 में लगेगी। आप देख सकते हो ये रहा चैनल नंबर 2। और जो सर्वो की वायर है ये दोस्तों चैनल नंबर 1 में लग जाएगी। बस दोस्तों इसकी वायरिंग इतनी सी, कोई ज़्यादा करने को है नहीं इसमें। सो गाइस मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉल कर लिए आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मैंने दो प्लाई के पीसीस लगा दिए, ये दोस्तों हमारी ट्रक की बॉडी में मदद करेंगे हमें सपोर्ट देने में। तो दोस्तों फटाफट से इसकी बॉडी बना लेते हैं। दोस्तों इसकी बॉडी थोड़ी मैंने फास्ट फॉरवर्ड बनाई है। दोस्तों अगर आपको मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए दोस्तों मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है। सो गाइस इस वीडियो के बाद दोस्तों हमारे चैनल पर काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स की वीडियो आने वाली है, तो उन्हें देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस आपने हमारी ई बाइक वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस आई बटन पर क्लिक करके दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिए। सो गाइस हमारी जो ई बाइक दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आप देख सकते हो वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। Yeah.
find out.